मैं हलदर जनकराज जंतर मंत्र से मेरी तरफ से सभी को राम राम सत श्री अकाल सलाम अलैकुम। आइए धरने पे कुछ आदमी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं जो कहां कहां से आए हैं। राम राम साहब, आप कहां से आए हैं? राम राम सर, मैं दिल्ली से आया हूं और अक्सर जंतर मंत्र पे आता भी रहता हूं। मेरा नाम नायब सूबेदार रमेश चंद है। आज हमको जो है 187 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हुए। सरकार हमारी अभी तक कोई भी मांग के बारे में या कोई भी नुमाइंदा नहीं आ रहा, ना कोई सुनवाई हो रही है। हम सरकार से बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी जो है संगतियों को दूर किया जाए, जैसे हमारी MSP पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है और ख़ास करके हमारी विधवाओं के बारे में, जो कि सरकार बोल रही है कि हमने 70,000 करोड़ दे दिया तो किसको दे दिया, कहाँ दे दिया। हम बार बार सरकार से यही कह रहे हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में जो सरकार का अभी चुनाव आने वाला है 2024 में, उससे सरकार को हाथ धोना ही पड़ेगा। हर सैनिक की जुबान पर यही है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। राम राम जी। राम राम साहब, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम और रैंक बताइए। मैं गुड़गांव से न्यू पालम विहार से आया हूँ। मेरा नाम सुबह सिंह यादव है और मैं ये अपना फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के इसमें आया हूँ, जो जंतर मंत्र पे धरना चला हुआ है। और हमारी मांगे जो फेडरेशन ने दी हुई वो ही है। वैसे तो मेन मांगे दो ही हैं, सम्मान और समानता, बेसिक पे में OR JCO और ऑफिसर की पे में डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, माननीय है, लेकिन जो भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, दैट शुड बी सेम फॉर ऑल, दैट इज़ द डिमांड ओनली। जैसे हमारी विधवाएं हैं, वार विधवाएं हैं, विडोज हैं, उनको इतना पैसा भी नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। हमारे जो है प्रीमेच्योर हैं, उनको इसे बाहर किया है। क्यों? प्रीमेच्योर नाम की तो कोई फौज में वो बॉन्ड भरते हैं 15 साल 17 साल, टर्म्स पूरा करके ही आते हैं, तो उनको सबको मिलना चाहिए। यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो इन फौजियों को सड़क पे ना बिठाएं, इनकी मांगे मान लें। नाजायज़ जो मांगे आपको लगती हैं वो कृपया हमको बता दें, अगर नाजायज है तो वो भी हम मानेंगे, उसको प्रूफ कर दो कि आप नाजायज हैं। धन्यवाद। अच्छा सर, जो लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बाकी लोगों को मैसेज ये देना चाहूँगा जी, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ जो घर में बैठे ये बोलते हैं कि सबको मिलेगा तो हमको भी मिल जाएगा, ये पॉलिसी बहुत रिवर्स पॉलिसी है। जब तक सब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमको हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और सरकार तो स्ट्रेंथ देखती है। तो कृपया आप लोग एम्प्लॉई हैं तो भी संडे को तो एटलीस्ट आ सकते हो ना, तो आना चाहिए जरूर। और ये खास करके प्री मैच जो हैं, जिनको कुछ भी नहीं मिला है, जेजियोज को कुछ नहीं मिला, इनको तो स्पेशली बहुत इंटरेस्ट लेकर आना चाहिए। बस इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्लीज़ कृपया करके आइए, संडे को आइए, जब टाइम मिलता तभी आए। थैंक यू। राम राम। राम राम। राम राम साहब, आप कहाँ से आए हैं बताइए, अपना नाम और रैंक। पिथौरागढ़, उत्तराखंड पिथौरागढ़ से आया हूँ और मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का पूरा समर्थन करता हूँ। जो भी इनकी मांगे हैं उन मांगों का पूरी तरह समर्थन करता हूँ और सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी हम एक्समैनों की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करें, और जो भी इनके साथ एनेबलीज हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी क्लेरिफाइड करने की कोशिश करें, ताकि जो है सभी को इसका फ़ायदा मिले। जो लोग इससे वंचित रह गए हैं उन लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिले, और बाकी जो सभी एक्समैनों से ये भी गुंजाइश है कि वो अपना पूरा इसमें समर्थन दें, पूरा योगदान दें, और जो जहाँ पर है, जो भी यहाँ पर आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पर भी है वो वहाँ से जो है अपना पूरा सहयोग करने की कोशिश करें। धन्यवाद। राम राम साहब।